मसाला दूध बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ml मिल्क, 2 to 3 tablespoon शुगर, जिंजर मैंने जिसको कस के रख लिया है, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स है, मैंने किशमिश और बादाम लिए जिनको मैंने काट लिया है, ये सौंफ पाउडर है और ये कुछ केसर के स्ट्रैंड्स है, और ये मैंने इलायची है 8 to 9 उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है, और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिसमें हम जिंजर को उबालेंगे। अगर आप डायरेक्ट जिंजर को दूध में डाल दोगे तो जो हमारा दूध है वो फट जाएगा। तो हम मसाला दूध बनाना स्टार्ट करते हैं। 50 ml हमने पानी ले लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर जो मैंने ऑलरेडी कस के रखी है। अब इसको उबलने दे, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रश की हुई इलायची, सौंफ पाउडर और कुछ केसर के स्ट्रैंड्स। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दे, जब तक जो हम मैंने मसाला डाला है वो अच्छे से बॉईल हो जाता है। 3 to 4 minutes हम इसको बॉईल करेंगे। आफ्टर 3 to 4 minutes मेरी जो जिंजर है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी होगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध जो मैंने 500 ml मिल्क लेके रखा हुआ था। देखिए केसर का भी कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं कलर के लिए। ज़्यादा हल्दी ना डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर, मैंने 3 tablespoon शुगर ले लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर डालिए, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम शुगर डाल सकते हैं, आप शुगर इसमें स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको बॉयल होने देंगे, आई थिंक अप्रॉक्स 5 to 6 minutes लेगा बॉयल होने में। अच्छे से बॉयल होने दें, उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करके सर्व करेंगे। ये हमारा दूध उबल चुका है, आप देख सकते हैं। इसको बीच बीच में आप थोड़ा सा चलाते भी रहे ताकि दूध ना लगे। केसर का बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसको छान के सर्व करेंगे। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा दूध पसंद है तो आप इसको 2-3 minutes और उबाल सकते हैं, लेकिन एक बार ये दूध बॉयल हो चुका है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो मसाला दूध है वो रेडी है, अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। ये मैंने दूध को छान लिया है, गरम गरम हमारा जो मसाला दूध है वो रेडी है। 500 ml में हमारे जो 3 persons के लिए, 3 लोगों के लिए हमारा जो दूध है उसकी सर्विंग हो गई है। मैंने 500 ml मिल्क लिया था। इसको हम गार्निश करेंगे, मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए, मैंने इसको गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट से। हमारा गर्मा गर्म मसाला दूध बनके रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।